कभी अगर आपका सामान गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर फाइल करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं। चाहे आपका सामान पब्लिक प्लेस से चोरी हो या आपके घर से चोरी हो, दोनों ही सिचुएशंस में आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर के सारी डिटेल्स देनी होती है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन एफआईआर फाइल हो जाती है। एक बार जब आपकी एफआईआर फाइल हो जाती है तो आपको एफआईआर नंबर मिल जाता है, साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एफआईआर की कॉपी भी मिल जाती है, और अगले 24 घंटे में आपके पास आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम और उसका मोबाइल नंबर एसएमएस कर दिया जाता है, जिससे आप उस ऑफिसर से बात भी कर सकते हैं और वो ऑफिसर स्टेटमेंट लेने के लिए आपके एड्रेस पर भी आता है। सभी स्टेट्स में ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी स्टेट्स में ऑनलाइन एफआईआर फाइल करना लगभग सेम ही होता है, इसलिए अगर आप किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन एफआईआर करना सीख गए तो आप फिर किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। इसके लिए आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में सबसे पहले आपको टाइप करना होगा ऑनलाइन एफआईआर, और उसके बाद आपको अपने स्टेट का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम दिल्ली में एफआईआर फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दिल्ली टाइप करेंगे और उसके बाद सर्च कर देंगे। दिल्ली में अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आपको गूगल में जाकर के सर्च करना है ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली, और यहाँ पर देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है सिटीजन सर्विस का, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको यहाँ पर थेफ्ट e-FIR पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो खोने की रिपोर्ट के और एक चोरी की रिपोर्ट के। कंप्लेंट और FIR में फर्क होता है, इसलिए आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका सामान खोया गया है या चोरी हुआ है। खोया गया है तो आप यहाँ लॉस्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर चोरी हुआ है तो आप यहाँ इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट पर एक बार क्लिक करेंगे। इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डाल करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आपको यहाँ रजिस्टर एफआईआर पर एक बार क्लिक करना है। रजिस्टर एफआईआर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि सस्पेक्ट को आप जानते हैं या नहीं। अगर आपको पता है चोरी किसने की है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके साथ जो घटना हुई है इसमें किसी को इंजरी हुई है, चोट लगी है या नहीं। अगर लगी है तो आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा एक फॉर्म आ जाता है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें आपको नेम, पेरेंट नेम, जेंडर, कंट्री नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको यहाँ पर वो प्लेस डालनी होती है जहाँ पर चोरी हुई है। यहाँ पर आप पहले प्लेस डालेंगे, यहाँ पर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डेट डालेंगे कि किस डेट से किस डेट के बीच में चोरी हुई है, यहाँ पर टाइम डालेंगे कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में ये चोरी हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरह की घटना आपके साथ हुई है। यहाँ सबसे पहले आप टाइप ऑफ इंसिडेंट चूज करेंगे, यहाँ से आप थेफ्ट चूज कर लेंगे, यहाँ से आप घटना की जगह को चूज करेंगे, पब्लिक प्लेस पर हुई है, ट्रांसपोर्ट में हुई है, ये कहीं और हुई है। चलिए घर पर हुई है तो हम एनी अदर चूज करते हैं। यहाँ पर आपको प्लेस का नाम डालना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सस्पेक्ट को आपने देखा है या नहीं। अगर आपने देखा है तो सीन, वरना नोट सीन कर देंगे। अगर चोर ने कोई व्हीकल यूज की है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चूज करेंगे कौन सी व्हीकल से वो आया है। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी व्हीकल से आया है तो आप यहाँ नॉट नोन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपसे सस्पेक्ट की कुछ डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि उसकी हाइट कितनी थी और इसकी एज कितनी है। अगर आपको पता है तो आप इसको चूज करेंगे, वरना आप यहां से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पर अपनी चोरी की हुई प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है कि आपका क्या सामान चोरी हुआ है, उसकी क्या पहचान है, और यहां पर आप उसकी डिटेल भरेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर एक से ज्यादा सामान चोरी हुआ है तो आप यहां प्लस साइन पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरा सामान ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स ली जाती है, जैसे कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसका नंबर दे देंगे, और यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन डालेंगे कि आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई आईडी प्रूफ चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड चूज करता हूँ, और यहाँ पर आपको अपना
पैन कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर इस बॉक्स में आप सस्पेक्ट्स की कुछ और डिटेल्स भी दे सकते हैं अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो, और उसके बाद आपको यहाँ रजिस्टर पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपकी FIR सक्सेसफुली रजिस्टर कर ली जाएगी और आपको FIR नंबर भी मिल जाएगा और PDF फॉर्मेट में आपको FIR की कॉपी भी मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप बाद में अपनी FIR का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके या ईमेल आईडी डाल करके लॉग इन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने काफी ऑप्शंस आएंगे, आप यहाँ FIR स्टेटस पर क्लिक करेंगे। FIR स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी FIR यहाँ पर रजिस्टर की है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक FIR रजिस्टर की हुई है तो वो मेरे सामने आ गई है, मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है FIR नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि ये FIR अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग है। सो गाइज, इस तरह से अगर आपका कोई भी सामान चोरी हो जाता है तो आप ऑनलाइन FIR फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।